भारत को ऐसा ही जवाब बनता है। साबिक कप्तान जावेद मेदात कहते हैं कि भारत पाकिस्तान नहीं आता तो भाड़ में जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को क्रिकेट मिल रही है, इस मामले को आईसीसी को देखना चाहिए। रूल्स सबके लिए यकसा होने चाहिए, जो रूल्स पर नहीं चलता उसे बाहर करें। इंडिया ने टोटल रिफ्यूज कर दिया है कि हम पाकिस्तान जाके नहीं खेलेंगे। इसमें बढ़ते आतंकवाद के बीच पाकिस्तान को भारत की एक और पटकनी मिली है। भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। तो पहले भी कहते थे नहीं आया तो भाड़ में जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें हमारी क्रिकेट मिल रही है। राइट, ये आईसीसी का काम है। अगर ये चीज अगर आईसीसी कंट्रोल नहीं कर सकती तो फिर गवर्निंग बॉडी का कोई काम नहीं आईसीसी का। राइट, आईसीसी को चाहिए कि रूल फॉर एवरी सारी कंट्री के लिए एक होना चाहिए। अगर ऐसी टीमें नहीं आती, जितनी भी स्ट्रांग हो, आप उसको डिबेट कर बात करें। आज भारतीय की जो मीडिया है उन्होंने एक ऐसी खबर छापी है जिसके बाद भारतीय क्रिकेट शायकीन तो जनाब शामियाने और चादियाने बजा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जो हैं उनकी तकरीबन जो बत्ती है वो गुल हो चुकी है। इनको एक बात समझ में नहीं आई, बात सिक्योरिटी की नहीं है, चाहे बीसीसीआई 10 बहाने लगाए सिक्योरिटी के, और जो बीसीसीआई सिक्योरिटी की थ्रेट है, पर वो मेन कारण नहीं है। मेन कारण यह है कि तुम लोग दहशतगर्द हो। आप क्या समझते हैं चैंपियंस ट्रॉफी हमारे यहाँ होगी? नहीं होगी, हाइब्रिड मॉडल होगा। इंडिया के मैच दुबई में होंगे जी, फुलावर नहीं आएंगे। ट्रॉफी पाकिस्तान से गई। मैं तो मुझे जो चीज समझ आती है, ठीक है जी, वो ये चीज समझ आती है कि इंडिया ने फैसला कर लिया हुआ है कि पाकिस्तान को हर जगह पे पाकिस्तान को इग्नोर करना है, आइसोलेट करना है, एंड दैट इज बेसिकली देयर स्टेट पॉलिसी। द मोर अर्ली वी अंडरस्टैंड द बेटर इट इज। ये है कि वो चाहते हैं कि हमारी क्रिकेट प्रमोट ना हो, पाकिस्तान की क्रिकेट प्रमोट ना हो, पाकिस्तान में इकोनॉमी स्टेबल ना हो, और ये भारत कर रहा है तुम्हें पनिश करने के लिए। पहली बात ये समझ लो कि हो क्यों रहा है। क्या भारतीय टीम को खतरा है? डेफिनेटली। और भारत को ऐसा ही जवाब बनता है। साबिक कप्तान जावेद मेदात कहते हैं कि भारत पाकिस्तान नहीं आता तो भाड़ में जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को क्रिकेट मिल रही है, इस मामले को आईसीसी को देखना चाहिए। रूल्स सबके लिए यकसा होने चाहिए, जो रूल्स पर नहीं चलता उसे बाहर करें। भारत हार के डर से नहीं आता। तो पहले भी कहते थे नहीं आया तो भाड़ में जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें हमारी क्रिकेट मिल रही है। राइट, ये आईसीसी का काम है। अगर ये चीज अगर आईसीसी कंट्रोल नहीं कर सकती तो फिर गवर्निंग बॉडी का कोई काम नहीं आईसीसी का। राइट, आईसीसी को चाहिए कि रूल फॉर एवरी सारी कंट्री के लिए एक होना चाहिए। अगर ऐसी टीमें नहीं आती, जितनी भी स्ट्रांग हो, आप उसको डिबेट कर बात करें उसका। तो इंडिया होगा अपने लिए होगा, हमारे लिए या दुनिया के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए नहीं है। आओ खेलो, खेलते क्यों नहीं है, भागते, उनकी मुसीबत हो जाती है भाग। क्योंकि तुम्हें सजा मिलनी चाहिए तुम्हारे बुरे कर्मों की, ठीक है। इंडिया नहीं आएगा खेलने के लिए, आप क्यों चाहते हो इंडिया आए? कभी आप अपने आप से, अपने प्लेयर से, अपने बोर्ड से पूछो कि भाई अगर एक बात बताओ, इंडिया नहीं आता ठीक है हम ना आए। आप भी हिम्मत दिखाओ ना, आप भी जुर्रत दिखाओ। भाई आपका मुल्क तो कलमा पढ़ के बना था, आप तो जज्बे वाली कौम, तो किस दिन के लिए जज्बा बचा के रखा है? कड़ाइयां ठूसने के लिए, बिरयानियां ठूसने के लिए? अरे जज्बा तब दिखाओ ना जब गैरत पे बात आए, तब तो बात होती है जज्बे की। जज्बे वाली कौम सब फ्रॉड, 420 झूठ। नंबर दो, अब देखो इंडिया कहता है हम नहीं आएंगे, इंडिया छाती ठोक के कहता है हम पाकिस्तान के अंदर नहीं आएंगे, खेलना श्रीलंका में खेलो, दुबई में खेलो, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। आप भी अपना जज्बा दिखाओ यार, आप भी गैरत दिखाओ, नहीं जाएंगे इंडिया, नुकसान हो जाए हमारा, नहीं जाएंगे इंडिया। क्यों आते हो दुम हिला के जीभ लपलपाते हुए भारत? क्योंकि पैसे देखते हैं तुम्हें, और यह दुनिया जानता है कि पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहा है, पूरी दुनिया जानती है। इसलिए तुम्हारी इज्जत नहीं है, तुम्हारी रिस्पेक्ट इसलिए नहीं, क्योंकि उनको पता है कि दो बोटी फेंकोगे पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का जो पीसीबी का चेयरमैन है वो दुम हिलाते हुए आएगा, पता है उसको। यार देखो मैं एक बात बताता हूं तुम लोगों को, एक बात समझो, आज की तारीख में भारत क्यों नहीं खेल रहा पाकिस्तान में? क्योंकि भारत पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है। प्लेयर की सिक्योरिटी है वो पॉइंट नंबर टू है, वो भी एक फैक्टर है, लेकिन वो पॉइंट नंबर टू है। पॉइंट नंबर वन है यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर कश्मीर, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर व्हाट यू हैव डन इन पंजाब, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर 2611, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर पठानकोट, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर पुलवामा, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर अक्षरधाम अटैक, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर पार्लियामेंट अटैक, एंड यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर मोर देन 100 अटैक्स दैट यू हैव कैरिड आउट थ्रू आउट इंडिया। ये मोदी सरकार तुम्हें सजा दे रही है। अब तुम ये कहते हो कि खेल को सियासत में है जी, खेल को सियासत में मत मिलाओ, ये सब दकियानूसी एक हारी हुई कौम के डायलॉग हैं कि खेल को सियासत में क्यों ना मिलाएं। भाई खेल को सियासत में है ना, तुमने ट्रेड बंद करी, तुम्हारी दो कौड़ी की ट्रेड,
दो कौड़ी का तुम्हारा मुल्क, तुम्हारी दो कौड़ी की ट्रेड जो इमरान खान ने बंद कर दी 370-35 से हटाने के बाद कि हम भारत के साथ नहीं करेंगे। भारत को फर्क पड़ रहा है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कभी होटल में गए हो खाना खाने के बाद वो टूथपिक लाता है ना कि दांत में बोटी फंस जाए, तो वो दांत में फंसी हुई बोटी है पाकिस्तान की ट्रेड हमारे लिए। दो रुपए का फर्क नहीं पड़ता और तुम्हारे बिना बन गए फिफ्थ लार्जेस्ट, तुम्हारे बिना बनेंगे थर्ड लार्जेस्ट। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, पता नहीं अपने बारे में क्या समझते हो कि कौन से सुरखाब के पर लगे तुम्हारे अंदर यार। दिस इज ऑल पनिशमेंट, तुम्हारी करतूतें हैं उसकी सजा हम तुम्हें दे रहे हैं और ये सजा तुम्हें देते रहेंगे वर्ल्ड स्टेज पे। जहां पे डॉक्टर जयशंकर जाएंगे, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, आपका चेहरा बेनकाब करते हुए दुनिया को यह बताएंगे कि देखो दहशतगर्द कैसा लगता है, आसिम मुनीर जैसा लगता है, ये देखो। दुनिया को बताएंगे, एक एक बार बताएंगे, गली मोहल्ले में ढिंडोरा पीट के गाजे बाजे के साथ तुम्हारे कपड़े उतारेंगे सबके सामने और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि कई साल तुमने भारत के खिलाफ एक्शन लिया, तुमने अपने दहशतगर्द भेजे, भारत चुप रहा। तुमने बोला यार ये तो कमजोर है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। जब भारत ने तुम्हें प्रूफ दिया 26/11 का, 26/11 का प्रूफ दिया भारत ने, तब तुमने क्या बोला, ये लिटरेचर है, तुम्हारे कोर्ट्स ने बोला, तुम्हारे कोर्ट्स ने बोला ये तो लिटरेचर है, तुम्हारी एजेंसीज ने बोला ये तो कुछ भी नहीं, भारत अपने आप झूठ बोल रहा है, ये तो भारत ने खुद ही अपने ऊपर कर लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम तुम्हें सबूत नहीं देंगे। अब तुम्हारी छित्तर परेड हो रही है बेटा, अब तुम्हारी चीखें निकलेंगी और तुम ये नहीं जानते कि तुम्हें कितना इकोनॉमिक, तुम्हारा जो डैमेज हो रहा है, कितना इकोनॉमिक डैमेज हो रहा है, यह तुम्हें तसव्वुर नहीं है, तुम्हें धीरे धीरे पता लगेगा। अब तुम क्योंकि तुम चाहते हो बड़े खिलाड़ी के साथ गेम खेलना, तो तुम्हारे साथ ही हो रहा है। लेकिन बात करेंगे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में ये चैंपियन ट्रॉफी होगी और अभी हम कई शोज में, इंडियन शोज में भी जो मैं जा रही हूँ, तो वहां पे कहा जा रहा है कि जी भारत की टीम जो है वो खेलने के लिए नहीं आएगी। खैर, ऐसा होना नहीं चाहिए। एज अ पाकिस्तानी मैं तो जरूर चाहूंगी कि भारत से लोग आए और हम उन्हें वेलकम करें, लेकिन ये कि ये जरूर है कि बहुत से लोग जो है वो ये चाहते हैं भारत से कि जी यहाँ पे पाकिस्तान के लिए लोग ना आए। लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि आने दीजिए ना, क्यों आप लोग ऐसे कर रहे हैं। कभी कभी तो हमारे यहाँ कुछ टूर्नामेंट या कुछ होता है, ज्यादातर तो आपको पता ही हमारे यहाँ कुछ होता हुआ है नहीं पाकिस्तान में, तो कभी कोई फेस्टिवल या कोई क्रिकेट वगैरह हो रही हो तो फिर आने दिया करें, आप लोग इतना क्या भड़क जाते हैं। लेकिन खैर, देखते हैं कि लोग आते हैं या नहीं आते, मेरा मतलब है वो क्रिकेट टीम के लोग आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन ये जरूर है, मैंने सुना है कि जो भारत के लोग हैं यानी जो पब्लिक है, बहुत सारी पब्लिक तो नहीं लेकिन काफी सारी पब्लिक है, वो चाहती है कि लोग ना आए पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में जदीद तैयारी कर ली गई है। आज भी मैं एक टीवी शो में गई थी और ये भी एक दो टीवी डिबेट्स हैं, तो उनमें वो यही कह रहे थे कि जी पाकिस्तान तो भारतीय टीम आ रही नहीं, तो आप तैयारी किस बात की करें। पहले इस्लाम आता है, उसके बाद पाकिस्तान आता है। तो जो इस्लाम है, इस्लाम की बेस पे ही पाकिस्तान का जो वजूद है वो मार्ज अमल में आया है, तो इसलिए हम इसको किसी सूरत डिनाई नहीं कर सकते कि इस्लाम जो है ना उसको हम पीछे करें और पाकिस्तान को हम आगे ले।